Hi guys, welcome back again to your favorite learning platform, Learnovate. आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हमने सर्कल पे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आई होप आप लोग वो तीनों लेक्चर्स देख चुके होंगे. मैं फिर से वही चीज़ बोलूंगी जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि लेक्चर 4 देखने के लिए आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आना चाहिए. उसमें जो कंटेंट है या तो आपने खुद से किया हुआ हो या आपने लर्नोवेट पे वीडियोस देख के वो चीज़ें पढ़ी हो. या पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ रेडिकल एक्सेस ही पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सेस क्या होती है सर्कल में. इससे पहले हमने लेक्चर 1, 2, 3 में क्या क्या कवर किया है, बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कर लिए हमने, कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं. मेजर पार्ट हम सर्कल का कवर कर चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस. ये 4th लेक्चर है सर्कल का, दिस इज सेकेंड लास्ट लेक्चर इन द सर्कल सेगमेंट. इसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स पे. चलो तो आज हम रेडिकल एक्सिस स्टार्ट करते हैं. क्या होता है रेडिकल एक्सिस, देखो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द डेफिनेशन. क्या रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस पहली बात एग्जिस्ट करती है ना. एक सर्कल है तो हम उसके लिए रेडिकल एक्सिस नहीं बोलते हैं, दो सर्कल्स होने चाहिए रेडिकल एक्सिस बताने के लिए. तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स in such a way that the tangent segments drawn from it to the two circles are of equal length. इसका मतलब क्या है कि दो circles हैं, है ना, तो एक point P इस तरह से move करे कि जब हम उस point से इन दोनों circles पे tangent डाले, क्योंकि point P बाहर है दोनों circles के, तो तुम दोनों पे tangent डाल सकते हो, है ना. तो हमने दोनों पे tangent डाले तो so that ये जो length of tangents है ना PA, ये होता है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का डिस्टेंस. तो सो दैट PA और PB हमेशा बराबर रहे, PA इज इक्वल टू PB, ये होना चाहिए है ना, इज इक्वल टू मतलब P पॉइंट जो है, P इज अ मूविंग पॉइंट जो इस कंडीशन के अंडर मूव कर रहा है कि PA और PB बराबर रहे. तो इस पॉइंट P का जो लोकस होता है ना वो होता है रेडिकल एक्सिस. लोकस कैसे निकालते हैं वो हम लोग स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं, अभी निकालेंगे हम कैसे आती है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, है ना. अच्छा अब देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर पॉइंट पी हमें पता है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो हमने x1, y1 ले लिए, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ये ले ली हमने x1 = 0 और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है. तो पी ए इज वॉट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू द फर्स्ट सर्कल, है ना. लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम, किसी आउटसाइड पॉइंट से बताओ, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं तो तुम लोगों को आनी चाहिए ना. तो PA कितना हो जाएगा, PA वुड बी अंडर रूट S1, है ना, यही होती है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, रूट ऑफ S1. मतलब क्या करते हैं हम, बाहर के उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उस चीज का रूट ले लेते हैं, है ना, ये करते हैं हम. ऐसे ही अब हम PB निकालेंगे, तो PB का मतलब क्या है, अब इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तुम्हें, अब क्या करोगे, पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करोगे, है ना. तो जिस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो जिस सर्कल के लिए, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट किया हमने सर्कल में और उसका रूट ले लिया, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट S2, ठीक है. तो P इज मूविंग सच दैट S1 रूट S1 बराबर हो जाए रूट S2 के, है ना. तो मतलब क्या है, PA इज व्हाट रूट S1 इज इक्वल टू हो जाए रूट S2 के. अगली स्लाइड पे देखेंगे हम कि क्या आएगा. तो रेडिकल एक्सिस का मतलब समझ आ गया, ऐसे पॉइंट्स का लोकस, एक पॉइंट इस तरह से मूव करे सो दैट ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है उससे जब हम ड्रॉ कर रहे हैं दोनों सर्कल्स पे तो वो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर आए, पीए और पीबी इक्वल आए, ठीक है. चलो अगले पे चलते हैं, देखो इसकी इक्वेशन निकालते हैं क्या आएगी इक्वेशन. अब इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हमने निकाला, अभी हमने पिछले में देखा था पीए और पीबी बराबर होना चाहिए, विच मीन्स रूट S1 रूट S1 इज इक्वल टू होना चाहिए रूट S2, है ना. अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब S1 इज इक्वल टू S2 होना चाहिए, बस उसे इधर ले आओ LHS में, तो S1 - S2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस. अब अगर तुम लोगों को लग रहा है ये इक्वेशन है ये कैसे आई, देखो अब अगर हमने S1 जो हमारा सर्कल है उसकी इक्वेशन हमने ये ले ली, है ना, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, पढ़ते आ रहे हैं हम 3 वीडियो से. S2 हमने ले ली सेकेंड सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, दिस इज पहले वाली की क्या, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0. S2 इज x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0, सही है. अब तुम जिस पॉइंट का लोकस निकालते हो उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, h, k ले लेते हैं ना हम लोग,
ठीक है, तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी जब निकालेंगे पी ए, वट वुड इट बी रूट ऑफ एस वन, मतलब पी को तुमने पुट कर दिया इसमें, उसका रूट ले लिया. जब पी को पुट करोगे तो एच कॉमा के पुट कर देंगे ना हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की जगह पे एच और के आ जाएगा. क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट है ना, रूट दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी हमने, इज इक्वल टू एस वन, एस वन इज इक्वल टू एस टू लिख दिया हमने क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी. दूसरे साइड क्या आएगा, अब तुमने पॉइंट को पुट किया होगा दूसरे सर्कल में, क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस फटाफट बताओ टू जी टू एच प्लस, बस पॉइंट पुट कर रहे हैं ना, टू एफ टू के प्लस सी टू, सही है. हाँ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, इस पार्ट को हम उधर ले गए, तो क्या बन गया हमारे पास, टू जी वन माइनस टू जी टू, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ गया, टू जी वन माइनस टू जी टू इंटू क्या बना एच, है ना, एच कॉमन ले लिया, प्लस इधर के का कोएफिशिएंट देखो कितना बनेगा, टू एफ वन माइनस टू एफ टू इंटू व्हाट के, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या बची, सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो. ये आ गया लोकस ऑफ पॉइंट पी, ऐसे निकालते हैं ना भाई लोकस, और अल्टीमेटली जब लोकस आ जाता है एच के टर्म्स में, फिर हम फाइनल स्टेप क्या करते हैं, एच को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स से और के को वाई से. ठीक है, हमने ये चीज कर दी, तो क्या बन गया, देखो ये क्वेश्चन आ गई ना, एच की जगह पे एक्स, टू कॉमन ले लिया, टू एक्स इंटू जी वन माइनस जी टू प्लस टू वाई इंटू एफ वन माइनस एफ टू प्लस c1 वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट p का लोकस आ गया ना, मतलब ये किस चीज की इक्वेशन आ गई, p का लोकस क्या था, रेडिकल एक्सिस थी, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस. ओके, इसको याद नहीं करना है कि ये आएगी, बस ये याद करो कैसे आती है. तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें s1 वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो कर देना है. ठीक है, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन में से तुम दूसरे सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस इतना सा काम करना है ना. अब भाई जब एक सर्कल में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को घटाओगे तो व्हाट वुड हैपन, जो टू डिग्री टर्म्स है दे विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, वो लीनियर टर्म्स में रह जाएगी, जैसे ये है लीनियर टर्म्स, और लीनियर टर्म्स में जो इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जो आई वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, देखो वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई. तो जो P पॉइंट है उसका जो लोकस है, इसका मतलब कि P पॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसका लोकस क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई. तो P पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, और इस रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या है कि इस लाइन पे से तुम कोई भी पॉइंट उठाओ, है ना, और उससे इन दोनों सर्कल्स में हम जब भी टेंजेंट डालेंगे, तुमने यहाँ टेंजेंट डाल दिया, यहाँ टेंजेंट डाल दिया, ये टेंजेंट है भाई, तो इन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी, पॉइंट चाहे यहाँ पे ले लो, है ना, तुमने इस पे टेंजेंट डाल दिया, इस पे टेंजेंट डाल दिया, दोनों की लेंथ ऑलवेज इक्वल, ये रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है. ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है पता चल गया, और वो एक लाइन आती है दोनों सर्कल्स के बीच से होते हुए निकल रही है. ठीक है, ऐसा नहीं है देखो कि मिड पॉइंट से जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो जब दोनों सर्कल्स की रेडियस बराबर हो जाएगी, दोनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के होंगे, तब सिमेट्रिक फिगर होगी, तब ये लाइन बीचों बीच से निकल जाएगी, तब ये सी वन सी टू का मिड पॉइंट होगी, ओनली इन दैट केस, अदरवाइज ये जो लाइन है ये बीच से नहीं जा रही है, मतलब मिड पॉइंट नहीं हो रही है. ठीक है, इट इज क्लोजर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसके ज्यादा नजदीक दिखाई देगी, क्योंकि वो सर्कल बड़ा है, उसका सर्कमफेरेंस ज्यादा है, तो इसलिए उसके ज्यादा पास नजर आ रही है. ठीक है, चलो, तो हमने रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं देख लिया, एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, देखो ये ध्यान रखो कि जब भी तुम इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फाइंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं इन द इक्वेशन ऑफ द टू सर्कल्स दे शुड बी इक्वल टू यूनिटी, मतलब वो वन होने चाहिए. ऐसा क्यों, देखो क्योंकि हो सकता है, ये चीज़ मैं हटा देती हूँ ना, हमने लोकस निकाल लिया है कि लोकस हमने निकाला वो क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आई. अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो दी जाती है, मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्कल की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 36x ले लेते हैं प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है, s1 है, ऐसी s2 हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो.
ठीक है. अब ये हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन है ना, S1 S2. अब हमें पता है रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, पर देखो यहाँ पे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना S1 माइनस S2, तो क्या होगा, X2 Y2 वाले टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, जो कि कैंसिल होने चाहिए क्योंकि रेडिकल एक्सिस तो एक लाइन होती है, वो तो लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, है ना. तो रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए तुम जब भी S1 माइनस S2 कर रहे हो तो मेक श्योर कि X2 Y2 के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में बराबर हो, या तो दोनों को इक्वल कर लो. जैसे यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3 है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 6 6 हो जाएंगे. और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे बराबर करने के लिए, 2 से करोगे. या फिर जनरल ये समझ लो कि हमेशा जो भी इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, उसमें हम X2 और Y2 के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे दोनों में, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा. तो दोनों में हमें 1 1 अगर हमने बना लिया कोफिशिएंट को, फिर जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे X2 Y2 वाले टर्म, है ना. तो S1 में हम पहले क्या करेंगे, S1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. उससे क्या होगा, X2 और Y2 का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा. तो S1 क्या बन जाएगा, X2 प्लस Y2 क्या बना बताओ बच्चों, 2 से डिवाइड करने पे माइनस क्या आएगा, 18x और प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया. ऐसी S2 को बताओ किससे डिवाइड करेंगे, S2 में हमें क्या करना है, फिर से 1 1 बनाना है इसका कोफिशिएंट, तो किसमें किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ना, बहुत आसान है. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा X2 प्लस Y2 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 हो गए. अब हम इसकी रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल डू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. इस सर्कल में से इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको कर दो, इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अब देखो, तो ये कैंसिल हो गए, माइनस 18x प्लस 3x हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 15x आ जाएगा, सही है. और प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बहुत बढ़िया हो गया, तो सभी कैंसिल हो गया. तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये x इज इक्वल टू 0 आ गया. मतलब क्या है, ये इनकी रेडिकल एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस होती है ना. तो इनकी रेडिकल एक्सिस ये आ गई, रेडिकल एक्सिस को हम r डॉट a लिख देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स रेडिकल एक्सिस. यहाँ पे y एक्सिस आ गई इन दोनों सर्कल्स के लिए, ठीक है. तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू गिवन सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना. और उसकी इक्वेशन निकालते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. ये हो गई हमारी रेडिकल एक्सिस. अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होती है. अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है. पहली प्रॉपर्टी है कि रेडिकल एक्सिस जो है ना, रेडिकल एक्सिस हमें पता चल गया दोनों सर्कल्स के बीच से जाती हुई एक लाइन है. ये नहीं बोल रहे सेंटर से जा रही है दोनों के, बस ऐसे बीच से ऐसे निकल जा रही है, इनके ये जो रीजन है इसके बीच से, ठीक है. और जब सर्कल्स दूर दूर हैं तब, ठीक है. अब ये जा रही है जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये C1 C2 के परपेंडिकुलर होती है. तो रेडिकल एक्सिस के का एंगल तुम जब भी निकालोगे इस लाइन से, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री. ये तुम चाहे तो निकाल के देख लो. अभी हमने इक्वेशन निकाली है ना पिछले, उसमें क्या आई थी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, 2 × G1 माइनस G2 माइनस कर दिया था x, प्लस 2 × F1 माइनस F2 × Y प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0. ये थी ना इक्वेशन. इस लाइन का स्लोप क्या है बताओ, कितना है इसका स्लोप, इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या है, माइनस ऑफ a बाय b लिखते हैं ना, तो माइनस ऑफ G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2. ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप है ना. अब अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाले C1 C2 का, अब हमें पता है C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमने सर्कल जो लिया था कोऑर्डिनेट्स क्या थे उसके, माइनस G1 कॉमा माइनस F1 सेंटर के, ना. C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ऐसे ही उसमें G2 F2 ले रखा था, तो माइनस G2 कॉमा माइनस F2 थे. तो स्लोप ऑफ C1 C2 कितना हो गया बताओ, दो पॉइंट्स पता है उसका स्लोप निकालना है ना, तो क्या करेंगे, माइनस करो, देखो क्या बनेगा, माइनस एफ टू प्लस F1, इसमें से इसको माइनस कर दिया ना, तो क्या बन गया, F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2 बन गया ना, सही है भाई, ये तो करा Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, है ना. तो ये आ गया स्लोप ऑफ C1 C2 और वो आ गया स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस. अब देखो जब दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 1 आ जाएगा, है ना. स्लोप्स का प्रोडक्ट इज माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे हमने ये माइनस लगा रखा बड़ा सा,
ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में हो गई परपेंडिकुलर. तो पहली प्रॉपर्टी ये है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स. तो जब भी दो सर्कल्स, ये मैं हटा रही हूँ, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है. तो जब भी दो सर्कल्स हैं उनको ज्वाइन करने वाले, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडिकल एक्सिस. ऐसे लिख देते हैं, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सी वन सी टू, ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स विल बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट. इसका क्या मतलब है, दो सर्कल है ना, अभी दूर दूर पर बनाए हुए हमने, अभी देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, व्हेन द टू सर्कल्स आर फार अपार्ट उनके कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, बताओ भाई कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, चार कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं ना, चार कॉमन टेंजेंट्स होंगे, दो डायरेक्ट और दो ट्रांसवर्स, है ना. अभी हमने देखो, अभी हमने इसमें ये ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाया है ना, अब रेडिकल एक्सिस ट्रांसवर्स टेंजेंट जा रहा है ऐसे, है ना. अब ये देखो, ये जो पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना. अब रेडिकल एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो क्या करता है, उस पे हर दोनों दोनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट हम डाल सकते हैं, है ना. इसका मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है बराबर होगी, क्योंकि ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए ये जो लेंथ है ये टेंजेंट की लेंथ, दिस लेंथ और दिस लेंथ, ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे पॉइंट है. तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस इस कॉमन टेंजेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन गई इसका, है ना, इस लाइन का. तो रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट्स को हमेशा बाइसेक्ट करती है, जो चारों कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, यहां से भी तुम ले जाओगे, सॉरी ये डायरेक्ट टेंजेंट है, ट्रांसवर्स नहीं है ना, ट्रांसवर्स तो बीच से जाएंगे, ये डायरेक्ट टेंजेंट है, तो इसको बाइसेक्ट करिए, ट्रांसवर्स जो हम बनाएंगे उन्हें भी बाइसेक्ट करेंगे. दूसरी प्रॉपर्टी, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये काम आती है रेडिकल एक्सिस की, पोजीशन ऑफ रेडिकल एक्सिस. अब जब सर्कल्स दूर दूर थे तब रेडिकल एक्सिस वॉज पासिंग बीच में से कहीं से रीजन से, है ना. अब जब सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर एक दूसरे को, व्हेन सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब क्या है, जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट बनते थे, दो बनते थे ना, चलो ठीक है वो बताया हमें. अब कॉमन कॉर्ड बनेगी एक, है ना, इस केस में रेडिकल एक्सिस जो है ना वो कॉमन कॉर्ड हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके, यहां से जब तुम टेंजेंट बनाओगे दोनों पे, जीरो लेंथ का टेंजेंट डलेगा एक तरह से, है ना, क्योंकि इससे पास करेगा इससे पास करेगा, जीरो लेंथ का टेंजेंट जीरो, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी ना एक तरह से, जीरो जीरो इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करना चाहिए, ये भी पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे लाई करना चाहिए, ठीक है. तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस बनेगी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन बनती है, ठीक है. तो जब दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस क्या बन जाती है, उनकी कॉमन कॉर्ड बन जाती है. तो यहां पे देखो, अब कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं बताओ, S1 minus S2 is equal to 0 कर देते हैं ना. अब कॉमन कॉर्ड भी वही चीज है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अब अगर तुम्हें किसी सर्कल में निकालनी है, दो सर्कल्स में कॉमन कॉर्ड, तो कितना इजिली निकाल देंगे हम, S1 minus S2 is equal to 0 कर देंगे, ठीक है. तो कॉमन कॉर्ड निकालने का मतलब बस एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट करो, जब उन दोनों के टू डिग्री टर्म्स के कोफिशियंट्स बराबर होने चाहिए, वन वन कर दो या फिर, है ना. तो ये जो इक्वेशन आएगी ना, लीनियर इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट करेगी उनकी कॉमन कॉर्ड को, ये जो जा रही है लाइन, ठीक है. तो कॉमन कॉर्ड इस केस में रेडिकल एक्सिस बिहेव्स मतलब बन जाती है, इट इज अ कॉमन कॉर्ड, ये बन गई, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, ये भी हमने देखा इंटरसेक्टिंग वाला केस, फार वाला केस देख लिया. अब ये देखो, ये केस मतलब जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है. तो जब दो सर्कल्स, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर, इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली टच करें, ठीक है. अब देखो, एक्सटर्नली टच करें चाहे इंटरनली, अब इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या बन जाती है, कॉमन टेंजेंट बन जाती है. फिर वही रीजन, ये जो पॉइंट है दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट से तुम अगर टेंजेंट बनाओगे दोनों सर्कल्स पे तो वो जीरो जीरो लेंथ का बनेगा ना, क्योंकि सर्कल पे जब पॉइंट लाई करता है उसके ऊपर से टेंजेंट बनाते हैं, उसकी लेंथ एक तरह से जीरो है ना हमारे लिए, ठीक है. तो ये जो है ये लाइन अब दोनों से यहीं से पास कर जाती है फिर रेडिकल एक्सिस, क्योंकि इक्वल लेंथ के टेंजेंट बना पा रहे हैं, है ना. अब देखो, यहां से तुम कोई भी पॉइंट उठाओ, उससे इस पे तुमने टेंजेंट बना दिया, इस पे टेंजेंट बना दिया, इन दोनों की लेंथ है इक्वल, ठीक है. तो इस केस में रेडिकल एक्सिस बन जाती है कॉमन टेंजेंट, सही है. तो अब यहां पर देखो, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना कितना ईजी हो गया. कॉमन टेंजेंट कैसे बन गया, कि इक्वेशन क्या बन गई, S1 minus S2 is equal to 0,
है ना, बहुत आसान हो गया। अब अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालो, तो हम बस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे ही अब जब सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, अभी भी अब रेडिकल एक्सिस इज व्हाट, कॉमन टेंजेंट, है ना। अब फिर से तुम्हें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी है, सेम वही चीज दोबारा से लिख देती हूँ मैं। कॉमन टेंजेंट किसके बराबर हो गया, रेडिकल एक्सिस के बराबर हो गया, एक ही बात है। और वो हम कैसे लिखते हैं, एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस में रेडिकल एक्सिस कैसे कैसे बिहेव करती है, क्या क्या बन जाती है, वो हमने देखा, ठीक है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हमेशा हम ऐसे निकालते हैं, तो अब कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी इसी तरह से बहुत इजीली निकाल लेंगे। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है पेपर में, है ना, कि इस तरह से बन जाती है। चलो अब अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है। If two circles cut a third circle orthogonally, अगर दो circles हैं वो किसी तीसरे circle को orthogonally cut कर रहे हैं, ठीक है। orthogonally cut करने का मतलब हमने पढ़ा था ना last lecture में, क्या होता है कि दोनों circles के point of intersection पे तुम जो tangents बनाओगे उनके बीच में angle हो जाएगा 90 degree, है ना। मतलब circle, ये angle 90 degree हो जाएगा, ठीक है, ये 90 degree angle है। ऐसे ही इन दोनों intersect जहाँ पे कर रहे हैं, इस पर tangent बनाया, इस पर टेंजेंट बनाया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है इस वाले पे। अब क्योंकि, और ये जो बड़ा ये वाला सर्कल हमें दिख रहा है ना, थर्ड सर्कल, देखो इसके लिए ये लाइन टेंजेंट है, तो ये वाली लाइन इस सर्कल के लिए बताओ क्या हो जाएगी, बताओ भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही ये लाइन भी सिमिलरली सर्कल के लिए नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो इस सर्कल के लिए ये दो नॉर्मल्स हो गई, है ना, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। सर्कल में नॉर्मल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेंटर पे मिलेंगी। और ये दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, सीपी और सीक्यू की लेंथ बताओ कितनी है, देखो कितनी है सीपी और सीक्यू की लेंथ। CP रेडियस है ना इस वाले सर्कल का, थर्ड सर्कल का, CQ भी इसका रेडियस है, दोनों की लेंथ बराबर है रेडियस के, है ना। तो देखो C एक ऐसा पॉइंट है जिससे तुम इन दोनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट डाल पा रहे हो, है ना। जब तुमने C से इस पे टेंजेंट डाला, इस पे टेंजेंट डाला, दोनों की लेंथ इक्वल है। और ऐसा पॉइंट जिससे हम इक्वल लेंथ की टेंजेंट्स डाल पाते हैं वो किस पे लाई करता है, वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोचा तुमने। तो इसका मतलब जो सी पॉइंट है ये इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, है ना। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट। इसका मतलब सी लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल्स, जो दो सर्कल्स उसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यही चीजें देखो, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसमें प्रॉपर्टीज हो गई थी सीधे। तो इफ टू सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, देन द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल का सेंटर लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू गिवन सर्कल्स, इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, इतना मतलब है हमारा, है ना। तो मतलब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो इसकी इक्वेशन एस से लिखी है, इसकी एस डैश से लिखी है, तो रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगी, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी, और सी पॉइंट इसको सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक रिलेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पे सी पे, सी में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन करना है हमें, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो क्वेश्चन। शो दैट द सर्कल्स, ये दो सर्कल्स दिए हुए हैं, पहले हमें शो करना है एक दूसरे को टच करते हैं, टच ईच अदर, और देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जहां पे टच करते हैं उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, एंड देन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि टच करते हैं नहीं करते। अब हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि सर्कल्स को टच करने की कंडीशन क्या होती है, एक्सटर्नली टच करेंगे तो बताओ क्या आती है कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स बराबर होता है किसके, आर वन प्लस आर टू के, अगर एक्सटर्नली टच करें, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर इंटरनली टच करेंगे तो क्या कंडीशन थी, सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू आया था का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते, देखो सी वन सी टू हमने सेंटर्स तो निकाल ही सकते हैं ना, सर्कल का सेंटर कितना है, देखो फाइव कॉमा माइनस टू, फिर से वही चीज, आधा आधा किया दोनों का, एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ, साइन चेंज, हाफ आया माइनस फाइव, साइन चेंज फाइव, इसका हाफ किया फोर का हाफ टू, साइन चेंज माइनस टू, फाइव कॉमा माइनस टू आ गया इसका सेंटर। ऐसे ही इसका सेंटर निकालेंगे, बताओ इस तरह से कितना आएगा, माइनस सेवन कॉमा थ्री, ये आ गया इसका सेंटर। रेडियस भी निकालना हम लोग को आता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो हमने रेडियस आर वन निकाल लिया, देखो सर्कल का कितना आएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव प्लस फोर माइनस टू का स्क्वायर माइनस सी,
माइनस ऑफ माइनस 20 कितना बन गया प्लस 20, कितना हो गया भैया 24 प्लस 25 इज 49, 49 का रूट इज 7, तो R1 7 आ गया, ऐसी तुम R2 निकालोगे तो वो 6 आ जाएगा. और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालो C1 C2, देखो हमने निकाला हुआ है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, वो आ गया 13. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 13 है और सम ऑफ रेडियाई कितना है वो भी 13 है. इसका मतलब C1 C2 बराबर आ गया किसके, R1 प्लस R2 के बराबर आ गया. इसका मतलब क्या होता है कि सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना. तो याद होगी तुम लोगों को ये चीज, तो यहाँ पे सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये प्रूव कर दिया हमने, पहला पार्ट हो गया. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना. अब देखो ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सर्कल्स जब टच कर रहे हैं तो ये जो P पॉइंट है, या फिर यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो P पॉइंट C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 7:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, ये रेडियाई के रेशियो में डिवाइड करता है, तो R1:R2, तो 7:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. C1 भी हम जानते हैं, C2 भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P निकालने के लिए, बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे ना, बहुत आसान चीज बिल्कुल. तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पी के निकाल लेंगे. तो कितना आ गया देखो, 7 × −7 प्लस 6 × 5 है ना, अपॉन में 7 + 6, वही सेक्शन फॉर्मूला, ऐसी वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने, तो पी के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे, तुमने भी निकाल ही लिया होगा, पी के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे. ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन करते रहो. अब हमने दो पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन के, पी भी निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, देखो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना. और अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि कॉमन टेंजेंट क्या होता है जब सर्कल्स टच करते हैं एक दूसरे को, तो कॉमन टेंजेंट क्या बन जाती है इसमें, रेडिकल एक्सिस बन जाती है ना, और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालना तो बड़ा आसान है. कैसे निकालते हैं, S1 − S2 = 0, बस सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस कर देना है दोनों को, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. तो सिंस द टू सर्कल्स टच ईच अदर, वही लिखा है, तो कॉमन टेंजेंट, तो ये बन गया, हमने S1 − S2 कर दिया है ना, माइनस कर दोगे तो −10 − −14 वुड बी −24x, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे ये इससे कैंसिल हो गया. ठीक है, फिर ये और 4y + 6y विल बी 10y, −20 − −22 वुड बी −42, फिर उसको हमने कॉमन वॉमन ले लिया, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट. सही है, तो हमने तीनों चीज़ें कर ली इस क्वेश्चन में. यहाँ से हमने देखो जो चीज़ सीखी, अभी नई चीज़ जो सीखी है, क्योंकि ये तो हमें पता ही था कि पी R1:R2 में डिवाइड कर रहा है. द न्यू थिंग वी हैव लर्नड इज कि अगर कॉमन टेंजेंट पूछा जाए व्हेन सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, है ना, तो इंटरनली एक्सटर्नली, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरे में से. ठीक है, बस बार बार मैं ये चीज़ बोलूँगी, मेक श्योर कि सर्कल के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशेंट्स 1:1 तुमने बना दिए हों या बराबर कर दिए हों, सो दैट सब्ट्रैक्शन पे 2 डिग्री टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ देखो, अगला जो इसका यूज है रेडिकल एक्सिस का, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना, मतलब सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी कॉमन कॉर्ड बनेगी, पहली चीज है ना. अगर सर्कल्स दूर दूर हैं दे विल बी नो कॉमन कॉर्ड, टच कर रहे हैं टेंजेंट आएगी, तो अगर सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉमन कॉर्ड आ जाती है, दोनों की जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं. कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, PQ, है ना, ये जो कॉर्ड बनी है, तो हम PQ की लेंथ निकाल रहे हैं, कैसे आएगी. ठीक है, अब देखो हमें दोनों सर्कल्स की इक्वेशन पता है, ये हम मान लेते हैं, तो हमें इसकी इक्वेशन भी पता है, S1 मान लेते हैं इसकी इक्वेशन, S2 = 0 दी हुई है. ठीक है, तो अब हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो आसानी से निकाल सकते हैं ना. कैसे निकलती है कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बताओ भाई, पढ़ लिया हमने, कैसे निकलती है, सब्ट्रैक्ट कर गया ना, रेडिकल एक्सिस बन गई है, तो S1 − S2 = 0 करके हमारे पास आ गई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, आई है लेंथ निकालनी है. ठीक है, अब इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास इस लाइन की, क्योंकि तुम्हें दोनों सर्कल्स पता है तो तुम्हें उनके सेंटर्स भी पता होंगे, रेडियस भी पता होंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये कॉमन कॉर्ड है, ये लेंथ है, सही है, तो यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे तुम इस लाइन का, है ना, क्योंकि कॉर्ड रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, सॉरी रेडियस नहीं, सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हमने पढ़ी हुई है चीज़ें 9th-10th क्लास में. ठीक है, तो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया कॉर्ड का, इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस सर्कल को यूज़ कर रहे हैं तो इसी को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने AR निकाल लिया, निकालना आता है ना लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो हमने AR निकाल लिया. देखो AR अब हमें पता चल गया,
ठीक है, ए आर आ गया. ए पी क्या हमें पता है? ए पी, क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन पता है तो हमें उसका रेडियस भी नोन होगा, है ना. इक्वेशन से हम निकाल लेंगे रेडियस, तो हमें ए पी भी गिवन है, ए पी भी गिवन है. तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए पी आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. ठीक है, ए पी वी नो, ए आर वी नो, तो पी आर कितना हो जाएगा? पी आर वुड बी वॉट बताओ, अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ए पी स्क्वायर माइनस, दिस इज ए, ए पी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर. सही है, ये आ गया, ये हमारे पास अभी पी आर आया है, और पी आर क्या है? पी क्यू का हाफ है, तो हम पी आर का डबल कर देंगे, तो वील गॉट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टू टाइम्स अंडर रूट में पी ए पी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर. ठीक है, कितना आसान हो गया देखो निकालना. पहले क्या करना होगा, तुम्हें इक्वेशन निकालनी होगी कॉमन क्वाड की, सो दैट ये डिस्टेंस तुम निकाल पाओ. अगर तुम ये सर्कल यूज कर रहे हो तो बी आर निकाल लेना और उसका रेडियस यूज कर लेना, बस ये चीज याद रखनी है. ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है. तो लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड अगर क्वेश्चन में पूछिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं. हाँ, अगर लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड, देखो अब क्या बोला है, ऑफ टू सर्कल्स बिकम्स मैक्सिमम. अगर बोला है किसी क्वेश्चन में कि कॉमन क्वाड जो है इट इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ, है ना, क्योंकि दो सर्कल्स तो किसी भी तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना भाई. ये ऐसे भी कर सकता है इंटरसेक्ट, या ये हो सकता है ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसे चला जाए, थोड़ा सा इंटरसेक्शन का पार्ट है. पर अगर बोला है कि कॉमन क्वाड मैक्सिमम लेंथ की है, तो मैक्सिमम लेंथ बनने का मतलब है कि कॉमन क्वाड जो है ना वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर बन जाए. बड़े वाले सर्कल का डायमीटर तो बन नहीं सकता है ना, छोटा सर्कल इसको बड़े वाले के डायमीटर के एंड पॉइंट पे तो कट नहीं कर सकता, इतना तो वो बड़ा है नहीं, है ना. पर बड़ा सर्कल उसे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे कट कर सकता है. इट मींस, तो अगर बोला है कॉमन लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड इज मैक्सिमम, इसका मतलब ये है इट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. जो छोटा सर्कल है उसके डायमीटर से कट करते हुए जा रहा है बड़ा वाला सर्कल उसे. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड कितना बन जाएगा? डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. निकालना और ज्यादा आसान हो गया. ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है. इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन क्वाड इज जीरो, मतलब अगर सर्कल्स की कॉमन क्वाड की लेंथ आ गई जीरो, इसका मतलब क्या है कि सर्कल्स कट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, है ना. मतलब सर्कल्स क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरनली या एक्सटर्नली जैसे भी टच कर रहे होंगे, वो हम देख लेंगे सी वन सी टू निकाल के कि आर वन प्लस आर टू के बराबर आ रहा है या आर वन माइनस आर टू के बराबर आ रहा है. ओके, तो अगर वो जीरो आ गई बाई चांस, तो तुम ये मत सोचो कि अरे जीरो कैसे आ गई. जीरो आने का मतलब ये है कि कुछ भी ये आए नहीं इसकी लेंथ, है ना. इसका मतलब सर्कल्स टच ईच अदर, सर्कल्स टच ईच अदर, और कॉमन क्वाड बन जाती है यहाँ पे कॉमन टेंजेंट. वही, क्योंकि उसकी इक्वेशन भी हम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन से ही लिखते हैं. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी पे, कि लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड कैसे निकाली जाएगी. एप्लीकेशन है बस. देखो अब हमें लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड निकालनी है इन दोनों सर्कल्स की, कॉमन क्वाड की लेंथ. अभी अभी हमने पढ़ा कैसे निकालते हैं. दोनों सर्कल्स दिए हुए, तो तुम्हें दोनों के सेंटर भी पता है ना. बताओ इसका सेंटर कितना है भाई? माइनस वन कॉमा माइनस थ्री है. सी वन हो गया माइनस वन कॉमा माइनस थ्री. और रेडियस कितना है इसका? रेडियस इज अंडर रूट टेन आ जाएगा ना. तो रेडियस इसका है आर वन इज रूट टेन, क्योंकि हमने क्या किया, अंडर रूट में चीज को प्लस एफ स्क्वायर, सी तो जीरो है. इस सर्कल का सेंटर कितना है? जरूरत नहीं है वैसे, एक ही की बहुत है ना, जरूरत नहीं है निकालने की, हमें एक ही सर्कल से चाहिए सब चीजें. तो पहले हमने क्या किया, कॉमन क्वाड की निकाली इक्वेशन, पी क्यू की इक्वेशन. पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना. तो दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखो दोनों में वन वन है कोफिशियंट, सब्ट्रैक्शन पे कट जाएंगे टर्म्स, तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये आ गई, इसको हमने टू कॉमन ले लिया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड. तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड, क्या आ गई भाई? 3x plus 4y plus 3 is equal to 0. अब हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, इसके बाद हमने क्या किया था? हाँ, अब हमें PQ चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, C1M ये डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे इस लाइन का सेंटर से, या इससे या इससे, C1 से निकाल देते हैं ना, किसी भी एक सर्कल से निकाल दो. तो हमने सेंटर S1 का सेंटर जो माइनस वन कॉमा माइनस थ्री है, उससे इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कैसे निकालते हैं? पॉइंट को पुट करते हैं लाइन की इक्वेशन में, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये आ गया 12/5. तो हमारे पास C1M की लेंथ आ गई कितनी? 12/5 आ गया, C1M आ गया 12/5. ठीक है, C1P हमें पता ही है, इस सर्कल का रेडियस कितना निकाला था हमने, ये आया था रूट टेन. अब पाइथागोरस लगा देंगे ना इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, क्या बन जाएगा ये? PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM, और हमें पता ही है वो कितना है, अंडर रूट में C1P स्क्वायर माइनस C1M स्क्वायर. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर, है ना, वैल्यूज डाल दी हमने, ये डाल के हमारे पास ये आ गया.
हाँ बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि तुम जब भी ये निकाल रहे हो ना पीएम, तो मेक श्योर तुम उसका डबल कर दो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए, क्योंकि एक ऑप्शन इस तरह का देखो जरूर दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन बन गया पेपर में आ गया, तो एक ऑप्शन जरूर इसका अंडर रूट में 106/5 होगा, एक ऑप्शन ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 106/5, बाकी जो भी ऑप्शन सी और डी बनेंगे वो हो जाएंगे. और इसमें बच्चे काफी बार ये गलती कर देते हैं कॉमन कॉर्ड निकालते टाइम, वो इतना पार्ट निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा के, है ना, फिर वो भूल जाते हैं आगे कि हमें इसका डबल भी करना था, और वो एक ऑप्शन फटाक से देखते हैं उसको टिक कराते हैं, और इसमें यहाँ पे गलती हो जाती है फिर, है ना, प्लस 4 की जगह पे हमें -1 मिल जाएगा. तो इन गलतियों से हमें बचना है क्वेश्चन में. जब भी लास्ट में तुम आंसर टिक कर रहे हो ना अपने पेपर में, मेक श्योर कि जो पूछा था तुमने वही आंसर किया है. ठीक है, चलो तो ये आ गया होगा समझ तुम लोगों को, है ना, आगे बढ़ते हैं. चलो क्या लिखा है देखो अगले में, रेडिकल सेंटर. अब रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या है देखो, जब तीन सर्कल्स, अभी तक हमने दो सर्कल्स लिए थे ना, हमने पढ़ा था कि दो सर्कल्स अगर है तो उनकी जो रेडिकल एक्सिस होती है, रेडिकल एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जिससे हम दोनों पे बराबर लेंथ के टेंजेंट्स डाल पाए दोनों सर्कल्स पे, दैट इज रेडिकल एक्सिस. उसकी इक्वेशन हम निकाल देते हैं S1-S2=0 करके. ठीक है, ये दो सर्कल्स के लिए पढ़ा था. अब हमारे पास तीन सर्कल्स हैं, तो ये दो सर्कल, ये दो सर्कल, ये दो सर्कल, ऐसे पेयर्स में ले लिया हमने. इन दोनों सर्कल्स की हमने रेडिकल एक्सिस निकाली. ठीक है, इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस और इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस. तो जहां पे ये तीनों रेडिकल एक्सिस मीट करती हैं, मतलब इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहां पे ये तीनों रेडिकल एक्सिस मीट करेंगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर. ये रेडिकल सेंटर बन गया. इट इज व्हाट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्कल्स. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेडिकल सेंटर, इसको हमने आर सी से लिख दिया. अब इसकी देखो इसकी विशेषता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कि जो रेडिकल सेंटर है, क्योंकि वो तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी, इस पे भी, तो वो तीनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. इसका मतलब अब देखो, ये जो रेडिकल एक्सिस थी दोनों की, उससे हम इन दोनों पे बराबर लेंथ के टेंजेंट डाल पा रहे थे. सिमिलरली इससे इन दोनों पे, इससे इन दोनों पे. अब ये पॉइंट तीनों पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे जब हम तीनों सर्कल्स पे टेंजेंट डालेंगे तो वो कैसे आएंगी, उसकी लेंथ इक्वल आएगी, है ना. बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी चीज है ये. इसका मतलब तुमने जब इस पॉइंट से तीनों सर्कल्स पे जब भी तुम टेंजेंट डालोगे ना, ये टेंजेंट डाल दिया, ऐसे हमने इधर टेंजेंट डाल दिया, ऐसे हमने इधर टेंजेंट डाल दिया, तो ये तीनों टेंजेंट्स की लेंथ विल बी इक्वल. ओके, तो रेडिकल सेंटर जो है वो कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट जिससे हम तीन गिवन सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट्स डाल पाए. तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई एक पॉइंट बताओ जिससे तुम इन तीन सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ, तो हमें क्या बताना है, हमें रेडिकल सेंटर बताना है. ओके, और रेडिकल सेंटर निकालोगे कैसे, अगर तीनों सर्कल्स दिए हुए हैं तो रेडिकल एक्सिस निकालो. देखो तीनों की इक्वेशन पता है, तो ये वाली रेडिकल एक्सिस कैसे आ जाएगी, S1-S2=0, है ना, एक लीनियर इक्वेशन आ गई ना, लाइन की इक्वेशन. ये कैसे आ जाएगी बताओ, S1 और S3 की है, S1-S3=0, सही है. और ये इन दोनों की, S2 और S3 की, ये आ जाएगी कैसे, S2-S3=0. तो हमारे पास तीन लाइन्स आ गई, उनमें से कोई भी दो लाइन उठाओ, क्योंकि पॉइंट निकालने के लिए दो ही दो लाइन चाहिए होती है ना भाई, तो कोई भी दो लाइन हमने ली और उसको सॉल्व कर दिया. तो सॉल्विंग एनी टू ऑफ द रेडिकल एक्सिस, तीसरे की तो जरूरत भी नहीं है, वो तो उससे पास करी जाएगी. ठीक है, तो रेडिकल सेंटर हम निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेडिकल सेंटर कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग एनी ऑफ द टू रेडिकल एक्सिस. सही है, तो रेडिकल सेंटर क्या हो गया, हमने पढ़ लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, निकालेंगे कैसे, सॉल्व करके दो रेडिकल एक्सिस को. चलो अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर क्या है. अभी हमने रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अब रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी देखो. पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स. इस चीज का मतलब क्या है, यहां तक पढ़ लेते हैं. एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स पे, मतलब जैसे ये साइड है, इसको डायमीटर लेके हमने एक सर्कल बना दिया, मतलब ए और बी इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं. सिमिलरली तुमने ए सी को डायमीटर लेके ये सर्कल बना दिया, और ऐसे हमने तीसरा सर्कल बना दिया होगा बी सी को डायमीटर लेके. ठीक है, बना देते हैं यहाँ पे.
अब देखो इस चीज को, अब ये क्योंकि ये डायमीटर है और एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है भाई, डायमीटर कितना एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पे, 90 डिग्रीज है ना, तो ये जो एंगल बना रहा है 90 डिग्रीज, ये एंगल ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो इसका मतलब जो सर्कल आएगा तुम्हारा, मतलब ये जो सर्कल है इसलिए वो इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये पता चल गया ना क्यों पास कर रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसके लिए ये डायमीटर है ना एसी, तो एसी कहां पे 90 डिग्री बना रहा है, देखो एसी, एसी यहां पे 90 डिग्री बना रहा है इधर, है ना, तो ये भी सेमी सर्कल वाला एंगल हो गया, तो इसलिए ये सर्कल डी पॉइंट से पास कर रहा है। अब ऐसे ही जब तुम बीसी को डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे, सोचो बीसी कहां पे एंगल 90 डिग्रीज बना रहा है, जो बीसी लाइन है वो एफ पे बना रही है ना और ई पे भी बना रही है, तो इसका मतलब वो जो सर्कल बनाएंगे हम वो एफ और ई से पास कर जाएगा, ऐसे ये ई से भी पास कर रहा है, ठीक है। ये हमने रफली एक सर्कल बना दिया, ये नीचे जाके खत्म होगा, इस पे पूरा बन नहीं पाएगा, ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, समझ लेना कि सर्कल है, लग नहीं रहा देखने में। तो ये तीनों सर्कल्स बन गए इन तीनों साइड्स को डायमीटर लेके, ठीक है। अच्छा अब बताओ, देखो ये जो दो सर्कल्स तुम्हें पूरे बड़े बड़े दिख रहे हैं, इन दोनों की कॉमन कॉर्ड कौन सी है, कॉमन कॉर्ड, इनकी कॉमन कॉर्ड क्या है, ADNN की कॉमन कॉर्ड है ना, क्योंकि कॉमन कॉर्ड वही, तो यहाँ पे इनकी कॉमन कॉर्ड हो गई AD, ठीक है। अच्छा ऐसे हम अगर ये सर्कल देखें और ये वाला अधूरा सर्कल देखें, इन दोनों की कॉमन कॉर्ड क्या है, बताओ बताओ क्या है इनकी कॉमन कॉर्ड, BE है ना इनकी कॉमन कॉर्ड, BE, क्योंकि B भी दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है और E भी दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहा है, BE हो गई इनकी, ये मत सोचना कि BF है कॉमन कॉर्ड, F इस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, E लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस सर्कल के और इस सर्कल की बताओ कॉमन कॉर्ड क्या है, क्या इन दोनों की कॉमन कॉर्ड, अब तक तो पता चल गया होगा ना, CF है इनकी कॉमन कॉर्ड, CF है, तो ये इन तीनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड्स हैं, और कॉमन कॉर्ड क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है, अभी हमने पढ़ा व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कॉमन कॉर्ड क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है, तो ये तीनों हो गई रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, अभी पढ़ा हमने ऊपर, रेडिकल सेंटर होता है ना, तो इसका मतलब इन तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रेडिकल सेंटर आ जाएगा इन तीनों सर्कल्स का, और ये तीनों लाइंस इस ट्राइंगल के लिए क्या है ये भी देख लेते हैं, इस ट्राइंगल के लिए AD, BE और CF क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है, है ना, ये परपेंडिकुलर से तो ड्रॉप की हुई है तुमने ऑपोजिट साइड्स पे, तो ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो इस ट्राइंगल के लिए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बताओ, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, है ना भाई, ये ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट, दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, तो इसका मतलब इन तीनों सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर आया वो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बन गया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी, दीज सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स इज द ऑर्थो सेंटर, रेडिकल सेंटर मतलब जो इन तीनों का बनेगा वो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है इस पर पूछ लिया जाए कहीं पे, तो ये चीज तुम्हें ऑब्जर्व करनी होगी कि जो तीन सर्कल्स हैं जो डायमीटर लेके बने हुए हैं साइड्स को, उनका रेडिकल सेंटर वो उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर इस ट्राइंगल का हम इजिली निकाल सकते हैं, रेडिकल सेंटर जैसे निकालते हैं उस तरीके से, दो रेडिकल एक्सिस को सॉल्व करके, ठीक है, समझ आ गई ना ये वाली चीज क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है भाई रेडिकल सेंटर की, क्या लिखा है देखो उस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, बहुत बड़ी सी है। रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स, पहले तो तीन सर्कल्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये तीन सर्कल्स हो गए हमारे, इन तीनों का जो रेडिकल सेंटर आएगा मतलब इनकी रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये सर्कल हमने लिख दिया S1 इज इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया हमने S2 इज इक्वल टू जीरो, ये है S3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन तीनों की रेडिकल एक्सिस निकाल लेंगे ना, S1 माइनस S2 ये आ गया, ऐसे ये आ गया, ये आ गया इन तीनों का रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर अभी हमने पढ़ा ना, उससे जब हम तीनों सर्कल्स पे टेंजेंट डालते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है भाई बताओ बच्चों, इक्वल होती है ना। तो जब हमने इस पॉइंट से तीनों पे टेंजेंट डाला, तीनों सर्कल्स पे ये टेंजेंट डाल दी, ऐसी ये टेंजेंट डाल दी और ऐसी इधर टेंजेंट डाल दी, ये तीनों इक्वल लेंथ की है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये तीनों इक्वल लेंथ की है। तो अब अगर हम इस पॉइंट को विच इज रेडिकल सेंटर, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर लेके और इस लेंथ को रेडियस लेके, क्योंकि तीनों लेंथ बराबर है ना, अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसको सेंटर लेके इसको रेडियस लेके एक सर्कल अगर हम बनाए, सेंटर रेडियस कैसे बन जाएगा भाई, इस तरह से बन जाएगा, वो ये बन गया वो सर्कल,
ठीक है, ये फोर्थ सर्कल जो बना इसका सेंटर है रेडिकल सेंटर, और इसका रेडियस क्या है, ये रेडिकल सेंटर से जो हमने टेंजेंट डाला है वो उसका रेडियस है, आर बोल देते हैं, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, ये इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, है ना, ये टेंजेंट है सर्कल के लिए, और हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये जो टेंजेंट है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे ही ये जो टेंजेंट बनी ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके सेंटर के, सही है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों सर्कल्स के बीच में भी 90 डिग्री, और सिमिलरली ये भी 90 डिग्री। तो ये जो सर्कल बना, ये फोर्थ सर्कल, ये इन तीनों सर्कल्स के साथ 90 90 90 एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये इन तीनों को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो फोर्थ सर्कल बनेगा, रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स विल बी द सेंटर ऑफ अ फोर्थ सर्कल विच कट्स ऑल द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली, जो कट करता है उसका सेंटर क्या होता है सर्कल का। अगर मैं इसको सर्कल को S4 बोल दूं, तो S4 का सेंटर क्या हो जाएगा भाई, इसका सेंटर कितना है, रेडिकल सेंटर है इसका सेंटर, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है बताओ, रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस, अगर तुम्हें रेडिकल सेंटर पता चल गया तो उस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है तीनों सर्कल्स में से किसी पे भी निकाल लो बराबर आने वाली है, ठीक है। तो और हम कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट एस वन से निकालते हैं ना, पढ़ा है हमने। तो उस पॉइंट को किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, जो तुम्हें आसान लग रहा है जिसमें पुट करना, उसका रूट ले लो। तो रेडियस कितना हो गया भाई, रूट एस वन या रूट एस टू या रूट एस थ्री, कुछ भी लिख दो तीनों, है ना, जहां पे पॉइंट ये पुट किया जा रहा है, ये आरसी पॉइंट पुट कर रहे हैं हम। तो अगर हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, हम लिख देंगे ना, क्योंकि हमें इसका सेंटर भी पता है, हमें इसकी रेडियस भी पता है। तो ये आ गया, तो जो फोर्थ सर्कल है वो इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, वेयर एच कॉमा के सेंटर आ जाएगा सर्कल का और आर आ जाएगा रेडियस। सेंटर है रेडिकल सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल्स, पढ़ लिया, और आर है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एच कॉमा के टू एनी ऑफ द गिवन सर्कल्स, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ आ गई तुम लोगों को, क्या पढ़ लिया हमने, रेडिकल सेंटर की ये सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, है ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच कट्स दीज थ्री सर्कल्स गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली, पता चल गया ना हमें वो कौन सा सर्कल होता है जो तीन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है, वो जिसका सेंटर होता है रेडिकल सेंटर और जिसका रेडियस ये हो जाता है अंडर रूट एस वन या अंडर रूट एस टू या अंडर रूट एस थ्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कर लोगे तुम लोग, हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है पूरी की पूरी, एक बार खुद से ट्राई कर लो, बिना सोल्यूशन देखे एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा, गारंटी है, बहुत होशियार हो तुम लोग, नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ थ्री सर्कल्स दिए, देखो हमें एस वन हो गया, एस टू हो गया, ये S3 हो गया ना, ठीक है, बस इसको वन को इधर ले जाना भाई, है ना, रेडिकल एक्सिस लिखते टाइम ऑलवेज मेक श्योर जब तुम S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके RHS में जीरो रहा हो, है ना, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन वन रहे हो। हमें बताना है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, इसका मतलब वो बताओ बच्चों, जिससे हम तीनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट डाल पाए, इसका मतलब वो रेडिकल सेंटर पूछ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने, बस उसने सीधे ये लिखने के बजाय के फाइंड रेडिकल सेंटर, उसने ये डेफिनेशन लिख दी उसकी, तो वी हैव टू फाइंड रेडिकल सेंटर, ये निकालना है। अब रेडिकल सेंटर हम कैसे निकालते हैं, दो सर्कल्स की मतलब दो रेडिकल एक्सिस निकाल लेंगे, कोई भी दो रेडिकल एक्सिस, उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो सर्कल्स को, है ना। तो हमने रेडिकल एक्सिस निकाली, देखो अब हमने इसमें से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सर्कल आसान है इसलिए हम इसमें से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स नहीं है, छोटा सर्कल है, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो तुम उन्हें भी कर ही लोगे बट ईजियर है, टाइम सेविंग है, ओके। तो हमने इस सर्कल में से सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया बताओ हमें सब्ट्रैक्शन के बाद, एट एक्स माइनस, हाँ माइनस वन माइनस, तो ये बन गया 8x माइनस 16 आया ना, 8 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गए हमारे पास रेडिकल एक्सिस 1, ठीक है, उन दो सर्कल्स की। ऐसे ही अब हमने इन दो, इस सर्कल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम चाहते तो इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, दिस इज टोटली अप टू यू, जो तुम्हें सही लगे, बस दो दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई,
ठीक है. अब क्या करते हैं, देखो दो रेडिकल एक्सिस आ गए ना तुम्हारे पास आउट ऑफ द थ्री, ये तीन सर्कल्स थे. अब हमने मैंने बना दिए दूर दूर, जरूरी नहीं है कि वो दूरियों हो सकता है कट कर रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हो जैसे भी. तो हमने ये दो, एक ये और एक ये रेडिकल एक्सिस बना दी. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता आ जाएगा रेडिकल सेंटर. तो हमने इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दिया. यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आई है, इसमें पुट कर दो एक्स को टू, आ जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू. तो ये आ गया एक्स और टू ही था, वाई हमने यहाँ निकाल लिया. तो ये आ गया टू कॉमा माइनस फाइव बाई टू, ये आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट जिससे हम तीनों सर्कल्स पे क्या इक्वल लेंथ की टेंजेंट डाल पाएंगे. ओके, ये आगे हमारा आंसर. ठीक है, तो इसके साथ आज हमने खत्म कर दिया अपना टॉपिक रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर, है ना. काफी इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम से डर लगता है बस बच्चों को. तुम ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक, और कहीं से कुछ पढ़ने की थ्योरी में तो जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें. क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. तो आज हमने ये चीजें पढ़ी. अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसके साथ हमारा सर्कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आईआईटी जेईई सिलेबस में जितना भी है. ओके, तो आई होप आपने वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.